और तूने मेरा मोशन तोड़ दिया। ट्रक वाले से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज इनका कभी कभी मोशन खराब हो जाता है। ये सभी पैदल जा रहे हैं छड़ी लेके। छड़ी यात्रा जो भी होती है ना, ये नंगे पांव होती है और सारे नंगे पांव हैं। भाई मेरी बात सुनते हो, मेरे को लग रहा है राइट वाले इंडिकेटर पे लोड पड़ रहा है यार बड़ा ज्यादा। सामने देखो, आपको लगता है ये बाइक लेके मैं जाम में फंसूंगा? ये तो बड़ी गर्म है यार। ओह, बस वाला पीछे नहीं आए। वो देख, हो गया मोशन उसका खराब। उतरो 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 उतरो, पीछे लगाओ कुछ, पत्थर पुत्थर लगा दो। इतना सामान लेके कैसे भागना है हमने? नहीं नहीं सर, भागे नहीं है। ओए हारे हारे महादेव। लेकिन मेरा आपको यही वरदान रहेगा कि कोई भी श्रद्धालु मणिमेच आएगा तो जो पहले दर्शन होंगे या स्नान वो आपका, उसके बाद मेरे, तभी उनकी यात्रा जो है संपूर्ण ठीक है। भाई साहब नीचे देखो, बिल्कुल दरिया के किनारे किनारे पे चल रहे हैं हम। यहाँ बोटिंग की थी हमने, हाँ याद है भाई, ये काला दरिया, काला दरिया। सो गाइस स्वागत है आपका मणिमहेश यात्रा 2024 में। एंड गाइस यहाँ से हो रहा है अपना ब्लॉग स्टार्ट। भाई साहब रात को हम पहुँचे थे डलोजी, डलोजी से थोड़ा सा आगे आगे थे, 2 बजे के करीब हम पहुँचे थे डलोजी। एंड डलोजी से ज्यादा नहीं, हम 15 किलोमीटर आगे आगे थे, एक लंगर मिला दोस्तों। वहाँ पे हमने पूछा, उन्होंने बोला आराम से रह सकते हो, हमारे पास ब्लैंकेट नहीं, ब्लैंकेट बड़े कम है। तो भाई हमारे साथ जो एक बाइक जा रही थी आगे, ये भाई मिल चुके थे हमें रात को जम्मू से, मतलब रास्ते में मिल गए थे जम्मू के ये। एंड ये भी अपने साथ चल रहे हैं और भाई इनके लिए ब्लैंकेट हमने अरेंज करवा दिया, अपने पास तो स्लीपिंग बैग पड़े हुए थे। रात निकाली, यहाँ से चंबा अप्रोक्स बचा 25 किलोमीटर। फिर हमने सोचा रात को कि हम चंबा क्या करेंगे जाके, वैसे भी अगर 2-3 इधर ही बच चुके हैं तो चंबा पहुँचते पहुँचते हमें 4-5 बज जाने हैं, तो हमारी नींद भी नहीं पूरी होगी। एंड होटल्स भी आपको पता है फिर फायदा भी नहीं है कोई लेने का, बिकॉज यहाँ पे ना सुबह सुबह चलना ठीक रहता है, दिन को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, रास्ता भी कंजेस्टेड है, तो बड़ी गाड़ियाँ आपको पता फंस जाती हैं। आगे दोस्तों हमने 98 किलोमीटर अभी और जाना, बरमोर जाना। हमारा मेन डेस्टिनेशन है जो आज वो बरमोर को है, कावल को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अकेले में आप इसे ना आराम से चला सकते हो और मजा भी आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा इसमें मजा आता है। एंड बरमोर तक मैं यही बाइक राइड करूंगा, उस पे भाई बहुत ज्यादा लोडिंग की हुई है हमने। यहाँ पे रुके भाई व्यू के लिए, सामने व्यू देखो, उफ 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 उफ, मॉर्निंग में पता कितना प्यारा व्यू होता है। करो करो कैप्चर करो सारे, आगे देखेंगे झरना, नहा लेंगे, अभी नहाए भी नहीं है सुबह से। पार्वती बदे, ओ हर हर महादेव। और रोड पता है एकदम मक्खन रोड है, तभी तो मैंने ये बाइक ली है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ पे आऊंगा मोटो ब्लॉग करता हुआ। वो झरना आ गया, यहाँ पे नहाते हैं सारे, पानी बड़ा ठंडा होगा भाई। देखने को पानी तो ठंडा लग रहा था, बट जब नहाने लगे ना तो पानी यार इतना ठंडा भी नहीं है। अब सुस्ती तो दूर होगी है ना, कम से कम सुस्ती काम खराब करती है। और इधर ना ट्रक वाले इतनी बाहर से जाते हैं ना, रास्ता ही ऐसा है, और ट्रक पता कौन से चलते हैं यहाँ पे, लंबे लंबे ट्रक, ओवरटेक करना भी बड़ा मुश्किल है। बट हमारे लिए ये रास्ता नया नहीं है, हमारे लिए ये रास्ता पुराना है, बिकॉज आपका भाई ना यहाँ से एक बार होके गया हुआ है, गाड़ी लेके आए थे तब हम। बाइक का अपना मजा है, और भैया बड़ा स्लो चलते हैं, और स्लो चले भी क्यों ना, ये बाइक बनी नहीं है फास्ट के लिए। अंडरवेयर भी देखना पीछे लटका दी हूँ इन्होंने। सूख जाएंगे वहां तक, धूप तो लगेगी ना कम से कम इनको। कमेंट में जरूर लिखना जय शंकर, अरे एक मिडिल क्लास बॉय कहां से निकल के, विलेज लाइफ से निकल के, और भाई कहां पे आया हूं आज घूमने के लिए। जो मैं कर रहा हूं ना वो कई लड़कों का सपना होगा। एंड भाई अगर आप ठान लो ना तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, और सपने हमेशा पूरे होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, जी जान लगानी पड़ती है। और मैं बात कर रहा था कि स्प्लेंडर नहीं पहुंच सकता यहाँ पे, और ये भाई ना कठुआ से आए हुए हैं एंड ये स्प्लेंडर लेके आए हैं, और भाई इनके स्प्लेंडर ने तो ऐसा कुछ करा नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर मेरे को स्प्लेंडर ही दिख रहे हैं। हेलो बच्चे देखना, ये पहले भी हेलो कर रहे थे। ट्रक वाले से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज इनका कभी कभी मोशन खराब हो जाता है।
आपको लगता है ये बाइक लेके मैं जाम में फंसूंगा? आपको इतनी दूर आना ना अगर, तो गाड़ी लेके मत आओ। गाड़ी तब लेके आओ जब आप फैमिली के साथ आ रहे हो। मेरा तो यही है, मैं जब फैमिली के साथ कहीं पे जाता हूँ ना तो फिर गाड़ी लेके जाता हूँ। अदरवाइज मेरे को जब अकेले या दोस्तों के साथ आना पड़ता है ना तो फिर मैं भाई बाइक ही प्रेफर करता हूँ, मैं गाड़ी नहीं प्रेफर करूंगा फिर। और तो और चंबा का वेदर भी भाई एकदम क्लियर रहता है, और आज देखो हम आया तो सूरज मामा भी निकल चुके हैं। भगवान जी ने हमारी सुनी भाई, कैसे कैसे पहुंचे हैं हम यहाँ पे। लग रहा नहीं था हमें कि ये बाइक पहुंचेगी, बट यहाँ पे स्प्लेंडर को देख के ना अपनी बाइक तो भाई नंबर वन है। फिर अंडरवेयर सूखे हैं हमारे? नहीं, गीले हैं अभी। और ये गीले हैं अभी। और चलो चलो, और मक्की आ गई, मक्की आ गई, मक्की आ गई। नहीं, लंगर है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ना ये राइट वाले इंडिकेटर पे ना लोड पड़ रहा है, आगे वाली बाइक पे, बुलेट पे। इस वाली बाइक पे नहीं, इनको बताता हूँ। देखो ना, पड़ रहा है ना लोड, टेढ़ा हो गया एक साइड। भाई मेरी बात सुनते हो? मेरे को लग रहा है राइट वाले इंडिकेटर पे लोड पड़ रहा है यार, बड़ा ज्यादा। बैक का पीछे पीछे लोड पड़ रहा है, लोड टेढ़ा हो गया एक साइड। सच में बड़ा लोड पड़ रहा है, एक बार रोक के चेक कर लो। एक साइड हो गया पूरा यार। यार मेरी बात ही नहीं सुनते ये। एक तो नदी को देख देख के डर लग रहा है, एंड मेरी हेलमेट अभी यार बाइक से गिरी, और जो मैंने न्यू वाला गिलास चढ़ाया था ना गोप्रो में, वो गोप्रो का यार टूट गया। गिलास की वजह से ना लेंस भी बच जाती है, दोनों बार मेरी गिलास की वजह से लेंस बची है। बस मेरे को पता क्या है कि ये ट्रिप ना सक्सेसफुल होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ भी, बिकॉज ये वाले गैजेट ना मैं बार बार नहीं ले सकता। बस सामने देखते रहो, नीचे मत देखना। मैं नीचे देखता हूँ तो मेरे को खुद डर लगता है। और यहाँ पे बसेस वाले इतनी तेज चलते हैं ना, और बसेस सारी ऐसी मिलेंगी आपको। यहाँ पे लग चुका है काफी लंबा जाम, आगे जाके देखता हूँ कितना लंबा है। निकलना तो पड़ेगा, आने दो आने दो। बड़ी गाड़ियाँ इसकी वजह से लगा जाम, पेट्रोल के टैंकर जा रहे हैं ना, पहाड़ों से आ रहा पानी एंड यहाँ पे निकल रहा है, और कितने प्रेशर से निकल रहा है। यहाँ पे ये इस नदी के साथ कनेक्ट हो जाता है, आगे बहुत खतरनाक रूप ले लेती है ये नदी, तभी तो ये कंट्रोल करने के लिए आगे डैम है। आगे लगा हुआ नाका, वो भी बहुत खतरनाक, बट बाइकों वालों को नहीं रुका रहे, गाड़ियों वालों को रुका रहे हैं ज्यादा। लैंडस्लाइडिंग होती है यहाँ पे, ये देखो ऊपर चढ़ जा स्प्लेंडर, चढ़ जा। बेशक गियर पहला मांगती है पर चढ़ जाती है। कितनी खतरनाक जगह पे आ गया हूँ भाई। अपने टाउन का क्या, अपने जम्मू का फर्स्ट मोटो ब्लॉगर है जो मनी महेश मोटो ब्लॉग करता हुआ जा रहा है। स्पोर्ट करना तो बनता है फिर आपका। और कल बारिश हुई है, आज देखो धूल कितनी है। यहाँ ऐसा ही रहता है, यहाँ बारिश का पता नहीं लगता कि बारिश हुई भी है या नहीं हुई। भरमौर 26 किलोमीटर, यार ये किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा। अभी तब से हमने कितना ही डिस्टेंस कवर किया, ये किलोमीटर बहुत ज्यादा किलोमीटर लग रहा है हमें। ये सभी पैदल जा रहे छड़ी लेके, छड़ी यात्रा जो भी होती है ना, ये नंगे पांव होती है, और सारे नंगे पांव हैं। हर हर महादेव। अब ये छड़ी कहां से आई है? भद्रवाह से भी आती है, बड़ी वाली छड़ी आती है वहां से। जैसे मचेल को छड़ी जाती है ना छड़ी यात्रा, वैसे यहां पे भी छड़ी यात्रा जाती है। एक प्यास लगी हुई है, कब से ये रुक रही नहीं है। इनको मैं बोल रहा हूं, रुको कहीं पानी देखो, ये रुकते ही नहीं है यार। हमारे ट्रिप में पता क्या रहता है, क्या पता आप पानी यहां पे मांगो तो आपको पानी मिले 100 किलोमीटर के बाद। जल्दी से जल्दी ना हमें डिस्टेंस कवर करना होता है। एक बंदा हमारे में ऐसा होगा, बस वो बोलेगा आगे जाके पीते हैं, आगे जाके पीते हैं, आगे करते करते ना 100 किलोमीटर हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, प्यास इतनी देर खत्म हो जाती है। शुक्र है रोका इन्होंने, और पानी मिला, मैं पानी पी के ही जाऊंगा अब। चलो अभी मैं करने लगा ये वाली बाइक अपनी राइड, भैया रेस्ट करेंगे, सुबह से कंटिन्यू भैया ही राइड कर रहे हैं। अपनी बाइक पे बैठता हूं तो यार कंफर्ट फील पहले ही मेरे को होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये कैसा टनल है, बड़ा खतरनाक है वो। ये तो पूरा पत्थर के साथ बना हुआ है, मतलब इनको कवर भी नहीं किया हुआ, काटा और गाड़ियां जाने दी। ओए होए, हरे हरे महादेव, ओम नमो पार्वती पते, हरे हरे महादेव। चल 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 चल, मेरे को टनल देख के डर लग रही, बड़ा खतरनाक टनल है ये, बड़ा बड़ा टनल है। इधर क्या है? अच्छा फंस जाए बंदा तो फिर अमर, हर हर महादेव। फंस जाए बंदा तो फिर यहाँ से निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। बस हो गया क्रॉस। दोस्तों सामने देखो कितना खतरनाक लग रहा है रास्ता, पुल आ गया, बड़ा खतरनाक पुल है ये, हर चीज खतरनाक है यहाँ पे। थोड़ा दूर ही रखता हूँ बस से। वो आ रहे नहीं हमारे साथ वाले, आ रहे हैं। जय शिव शंकर,
पत्थर देखो कितने चमक रहे हैं। दोस्तों है नहीं खतरनाक रास्ता, आगे से गाड़ियां भी आ रही हैं, तभी तो जाम लगता है। और जाम यहाँ पे लगेगा क्यों नहीं। हाँ मैं तभी दूर हूँ बस से, बस पीछे भी आ सकती है। वैसे ये बड़ी पावरफुल बस है, ये नहीं आती पीछे। हमारी बाइक जाएगी पीछे बट बस नहीं आएगी पीछे। एक नंबर ही है। अब बाइक भी क्या करे, खड़ी चढ़ाई है, जाने देते हैं यार अरविंद को, हम जाने देते हैं। हाँ थोड़ा गैप जरूरी है भाई साहब, अपनी सेफ्टी खुद रखनी पड़ती है हमें। ओ भाई पहाड़ देख देख के ना बड़ा डर लग रहा है, डर भी लग रहा है अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। बट ये बस क्रॉस करूंगा ना फिर अच्छा लगेगा। इस रास्ते में तो नहीं होती क्रॉस। बस जितना तो रास्ता कहाँ क्रॉस होगा, ओवरटेक होता है यहाँ पे, नहीं होता। मैं नहीं करूंगा, आगे ट्रक वाला भी तो जा रहा है, पूरा लंगर जा रहा है, लंगर है पता नहीं क्या है, बट ट्रक वाला भी तो जा रहा है आगे। कैसे दे पाएगा साइड, ये नहीं दे पाएगा। हम बेवकूफ थोड़ी है, यहाँ से साइड मांगेंगे इनसे। यहाँ पे होगी टेस्टिंग स्प्लेंडर की। स्प्लेंडर चढ़ रहा है। ओए 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 ओए, बस वाला पीछे नहीं आए। वो देख वो हो गया मोशन उसका खराब। उतरो 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 उतरो, पीछे लगाओ कुछ, पत्थर पुत्थर लगा दो। मोशन हो गया खराब हो गया, हम पीछे ही हो जाए थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, देखा हो गया ना मोशन उसका, थोड़ा ठीक करवाओ उसको। बाइक अकड़ाओ, बाइक का मोटर का, बाइक तो निकल भी जाएगी बट रिस्क नहीं लेना अभी। बड़ी खड़ी चढ़ाई है। निकल गया निकल गया निकल गया, शुक्र है शुक्र है। चलो बस वाला जाए अब। कर दिया रास्ता क्लियर, आ जाओ। स्प्लेंडर को कोई परवाह ही नहीं है, बुलेट फिर थोड़ा गुड़गुड़ कर रहा है। ये चढ़ाई कितनी है अभी, आगे भी है। चलो 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 चलो, जय बोले जय बोले। लगा दी बाइक वालों को, साइड नहीं ना दे रहे, बाइक के निकल जाए, निकाले आगे। रोड तो भाई खतरनाक है, आगे से बस भी तो आ रही है, ऊपर से पाउडर बड़ा लग रहा है। मिरर बंद करता हूं तो गर्मी लगती है, मिरर खोलता हूं तो पाउडर घुस जाता है। ओए 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 ओए, निकालने दे निकालने दे। हाँ बस ये ट्रक वाले से डर लग रहा है मेरे को, लोड है पूरा। और नहीं यार ट्रक के पीछे थोड़ी लाना मैं, पागलो। कावल ठीक रहा, कावल चले गया आगे। बस अब रास्ता थोड़ा आ रहा है, खुला आ रहा है। चलो हो गया क्लियर।
क्या बोले दोस्तों, शुक्र है हमें पेट्रोल पंप मिला है और लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है। अच्छा पीछे से आना पड़ेगा, पेट्रोल डलवा देते हैं, रिस्क नहीं लेना कभी भी भाई। यार ये गलत बात है काबल, जो पीछे लाइन में लगे हुए हैं भाई, इसका 350 का पड़ा, इसका बड़ा कम पड़ा, और ज्यादा ऊपर भी नहीं आना चाहिए, बस बड़ा। आहा, ये तो बड़ी गर्म है यार। ओहो मैंने गलत जगह पे लगा दी अपनी बाइक। धूप पता है कितनी खतरनाक धूप है यहाँ पे, पहाड़ों की धूप तो बड़ी खतरनाक होती है। चलो बैठो, अभी हम पहुंच गए बरमोर। ये सामने आप देख रहे हो, ये बरमोर है। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे रश हमें ज्यादा दिखेगा, क्राउड ही बड़ा ज्यादा है, बड़ी खड़ी चढ़ाई आई है। पता नहीं किधर जा रहे हैं, चलो जिधर जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। भाई ये स्प्लेंडर वाले किधर जा रहे हैं, उनको पूछो रास्ता पता हो। भाई साहब व्यू तो है, डर भी लगा था ना थोड़ा, दिख दिखिए। चलो तेरी हो, बड़ा खतरनाक रास्ता है दोस्तों, असली रास्ते तो यहाँ पे खतरनाक है, हमारे वहाँ पे तो कुछ नहीं है। भैया थोड़ा इधर से चलो ना, इधर किस लिए हो रहे हो, अपनी साइड पे चलो। ओफ 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 ओफ, सामने देखो ए, एक नंबर ही है। ताकि भैया मोशन नहीं टूटना चाहिए था। रखनी पैंदी है क्लच ऊपर, क्या करना। ओए 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 कावर के बस हुई, चल 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 चल। यार काके भी चढ़ाई देखो हाँ कितनी खतरनाक है, बाइक पहले गिर रहे हो, स्प्लेंडर नहीं चढ़ना नहीं लगता। आगे हाइट पे, आगे हाइट पे सर, ऊपर, अच्छा नीचे नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। बट डायरेक्शन बड़ी खतरनाक बताई है इन्होंने। हाय 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 हाय, हमें मिल चुकी है लोकेशन, ऐसी लोकेशन चाहिए हमें। वाकई यार हमने सोचा स्प्लेंडर का मोशन खराब हो गया होगा नीचे। ओ तूने मेरा मोशन तोड़ दिया, मोशन बनाना बड़ा मुश्किल है, एक बार टूट गया ना फिर टूट गया। अब क्या करें, गाड़ियां भी तो आती हैं आगे से, उनको पास भी तो देना पड़ता है। भैया साइड 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 साइड, मोशन टूट जाएगा। सामान बड़ा ज्यादा लोड किया हुआ है, मोशन टूट गया, वापिस नहीं जाने होता पीछे। बस लास्ट स्टॉप इधर ही है हमारा, अब हमने ज्यादा दूर नहीं जाना, साथ में ही है मंदिर। बाइकें लगा दी हमने पार्किंग में, एंड यहाँ पे ना इतना रश नहीं है दोस्तों। सामने का व्यू देखो, मस्त लग रहा है ना, बहुत प्यारा यार। मैं तो सामने से देख रहा हूँ, आप तो सिर्फ वीडियो में देख रहे हो ना, मेरे को सामने दिख रहा है। सांस बड़ी चढ़ती है यहाँ पे बोलते बोलते, हाइट पे आ गए बड़े। और रेनकोट की ज़रूरत क्या अभी यार, रेनकोट बाद में रखना जब बारिश लगेगी, और बड़ी जगह मिल जाएंगे। चला मैं बिना रेनकोट के चलूँगा, मेरा लगा लेना, तो कोई चक्कर नहीं है। काके भैया का लगा लेना, काके भैया हम बिना रेनकोट के चलेंगे यार, ऐसी कैसी बात हुई, तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ हाँ क्या भैया, बिल्कुल उस पहाड़ी के सामने आ गए हुए हैं। चलो तो पानी तो ये है वरना पीने के लिए, आके देखते हैं यहाँ पे स्नान करके फिर दर्शन करने जाना पड़ेगा। ऐसे कर लेते हैं स्नान, नहाए तो हैं वैसे भी सुबह, यहाँ पे नहाना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। पकड़ो यार ये, जय हो जय हो जय हो, ठीक है जय हो शंकर। चलो हो गया ना, जय हो शंकर, बस हमने कर लिया। जय बोले जय बोले दोस्तों, अभी जाके मंदिर के पास पहुंचे, एंड देखो यहाँ पे कितनी छड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वो ऊपर तक है। तो बुलाओ ना अपने वाले यार, बुलाओ यार, लग लाइन पे फिर वेट करना पड़ेगा हमें, जो हमारे साथ साथी थे ना दूसरे, वो बैठे हुए उनको हम वेट करवा रहे थे। थोड़ा बता दो, नहीं बता सकता मैं, नहीं बता सकते अभी, नहीं अभी कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है ठीक है, अभी नहीं बता सकते यार, अभी रश भी बड़ा ज्यादा है। नहीं तो माता कैसे विराजमान हुई यहाँ पे, ये बता दो हमें। जय माता दी, जय माता दी। आगे तक ये माता ब्रह्मानी है ना, अच्छा, और ब्रह्मा द्वारा तैयार की गई शक्ति है। ठीक है, ब्रह्मा द्वारा तैयार की गई शक्ति है, देवी और देवताओं के
देवताओं और राक्षसों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो सभी देवियों ने अपने स्थान चुने थे ना, तो माता ब्रह्मणी ने ये स्थान चुना। ये नीचे 84 मंदिर में, अच्छा 84 जहाँ अब 84 मंदिर है वो वाला स्थान वो माता का था। अच्छा, तो भोलेनाथ जी आए थे, वो जा रहे थे 84 ना सूरी के बदले मणिमेश के। अच्छा, तो वहाँ पे जो आज 84 मंदिर है ना वहाँ पे डेरे लगा दिए। ठीक है, तो जब माता ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं भोलेनाथ हूँ और मणिमेश के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्थान रात्रि विश्राम के लिए उचित है, तो हमने यहाँ पे डेरे लगा दिए, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से हम चले जाएंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो वो सारे 84 सिद्ध जो थे वो लिंग के रूप में वो स्थापित कर दिए। ठीक है, वहाँ पे तब भगवान ने कहा कि माता अगर आपने यहीं पे धूना लगाना है तो लगा लो, या किसी अन्य स्थान पे जाना है चले जाओ, लेकिन मेरा आपको यही वरदान रहेगा कि कोई भी श्रद्धालु मणिमेश आएगा तो जो पहले दर्शन होंगे या स्नान वो आपका, उसके बाद मेरे, तभी उनकी यात्रा जो है संपूर्ण। ठीक है, इतना ही सुना सकता था। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों अब कावल क्या बोल रहा है मेरे को पता क्या बोल रहा है, कावल बोल रहा है वो पहाड़ी के ऊपर कभी जाके मेरी रील बना दे तो मिलियन व्यूज आए, मिलियन। शक्ल देखी अपनी, देखी शक्ल। अब क्या इधर से जाना पड़ेगा? इधर से जाना पड़ेगा, जो आगे बाइक गई इधर से गई। अच्छा ठीक है, ये वाला रास्ता सिर्फ वन वे रखा हुआ है। अभी तो ठीक था, अभी तो टू वे चल रहा था, ये कच्चे वाले रास्ते में घुसा दिया इन्होंने हमें। हाँ चले गया होगा, पर कावल हाँ शार्ट तो है यार, ये गंदा भी है ना, बिल्कुल कोल रखाया तो है यहाँ, इतना सामान लेके कैसे भागना हमने। नहीं नहीं सर भागे नहीं है, सर बोल रहे नीचे से भाग के आए हो आप, ऊपर लगानी पड़ेगी। अच्छा चलो, वो सोच रहे हैं नीचे से कोई भाग के आया ना, मैम ने उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है कि नीचे से एक बाइक वाला भाग के आया, हम नहीं थे यार, हमने क्यों भागना, हम थोड़ी भागे हैं। 84 टेम्पल पहुंच गए, ये सामने 84 टेम्पल। अब इसकी पूरी कहानी क्या, वो जो ऊपर पंडित जी ने बताई थी हमें, ये क्या हुए भाई, आदिवासी ने सिंग रखे हुए हैं, ये टंग रखी हुई है, किसी की टंग है ये? हाँ ये लकड़ी में से निकलता है, लकड़ी है। ना यार ऐसे लग रहा है टंग है, हर मटेरियल लकड़ी के जड़ी। ये तो आ गई हमारी चीड़, घर की चीड़, चीड़े बूटा पता वो ये चीड़। सो गाइस अभी ना हम जा रहे हैं, मतलब यहाँ से निकल चुके हैं बरमोर से, अभी ना 6 किलोमीटर हमने आगे जाना है एंड अभी हम वहाँ पे पहुँचे। इस लोकेशन का मेरे को नाम पता नहीं है, क्या नाम है भैया? हटसर पहुँचे हैं अभी हम, ट्रैक तो कल ही स्टार्ट करेंगे, आज कहाँ जाएं। फाइनली दोस्तों हमें रूम भी मिल चुका है एंड बाइक लगाने लगे हैं यहाँ पे। अब एक ही बार आपको मिलता हूँ कल की यात्रा में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद, जय श्री राम, जय शंकर, जय भोले।